हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरएनए के बारे में। आरएनए के फुल फॉर्म क्या है, डीएनए एंड आरएनए में डिफरेंस क्या है, आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए कौन से होते हैं। तो आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। येस, इट इज़ सिमिलर टू डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लिक एसिड्स हैं। डीएनए और आरएनए काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि डीएनए से ही आरएनए बनता है, पर दोनों में कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। जैसे कि हमारे डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर, वेयर एज आरएनए एक सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। डीएनए में हमारे पास डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, एंड आरएनए में वी हैव राइबोज शुगर। अगर नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो डीएनए में वी हैव एडिनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, वेयर एज आरएनए के केस में थायमिन की जगह यूरासिल प्रेजेंट होता है। ऐसे ही कई और डिफरेंसेस हैं जो आरएनए को डीएनए से डिफरेंट बनाते हैं। अब आरएनए मेनली क्या कन्वर्ट होता है प्रोटीन में, जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। अब आरएनए भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि एमआरएनए मींस मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए मींस ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए विच इज़ राइबोसोमल आरएनए। अब हम हर इंडिविजुअल की बात करें तो एमआरएनए का फंक्शन होता है जेनेटिक मटेरियल को राइबोसोम में ट्रांसफ़र करना, एंड कौन सा प्रोटीन बनाना है उसकी इंस्ट्रक्शंस देना, मतलब कौन सा प्रोटीन सेल को चाहिए। अब टीआरएनए की बात करें तो टीआरएनए हमारे हर अमीनो एसिड्स के एंड पे प्रेजेंट होता है, और इसका मेन फंक्शन है कि जो भी हमारा राइबोसोम है उसकी हेल्प करना अमीनो एसिड को चूज़ करने में। फिर आरआरएनए होता है हमारा राइबोसोमल आरएनए, ये भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है जहाँ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसका फंडामेंटल रोल होता है सिंथेसिस एंड ट्रांसलेशन करना एमआरएनए का प्रोटीन में। इसी तरह हमारे पास एसएनआरएनए और एसआईआरएनए भी होता है। एसएन स्टैंड्स फॉर स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एंड एसआई स्टैंड्स फॉर स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। तो इस वीडियो में हम आरएनए के बारे में इतनी ही बात करेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। डू लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड डू गिव योर आइडियाज़ इन द कॉमेंट सेक्शन कि हमें और किस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए। Thanks for watching.